आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे पिता के बारे में जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है और उसका बेटा अपने पिता से। पिता हमेशा उसका ख्याल रखता है, उसका मार्गदर्शन करता है। पिता रेल विभाग के लिए काम करता है। और उसके बेटे को पिता का ये काम और उन ट्रेनों का आना जाना देखना बहुत पसंद है। और साथ ही उन लोगों को भी जो उस ट्रेनों में सफर किया करते हैं। उस ट्रेन में सफर करने वाले लोग कुछ ऐसे हैं जो अपने जीवन में बिल्कुल अकेले और दुखी हैं, जिनके स्वभाव में केवल क्रोध भरा रहता है, जो बिल्कुल स्वार्थी और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में केवल चोट खाई और वो जो बुरी तरह से नशे की लत में फंसे हुए थे। एक बहुत बड़ी गलती, तभी उस आदमी को उस ब्रिज को अलग करने के लिए कहा जाता है ताकि उसके नीचे से नाव जा सके। ट्रेन तेजी से उस पुल की ओर बढ़ रही है। पर अचानक ही उसके बेटे की नजर उस तेजी से आ रही ट्रेन पर जाती है और वो अपने पिता को इस बारे में बताने के लिए चिल्लाता है। पर अफसोस, पिता तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती। अंदर बैठे हुए यात्रियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि वो किस खतरे की ओर तेजी से बढ़े जा रहे हैं। Yo!
बेटा ट्रेन को बचाने के लिए ब्रिज के अंदर के लीवर को खींचने की कोशिश करता है कि तब उस पिता को एक कठिन और दर्दनाक चुनाव करना पड़ता है। या तो वो हर एक यात्रियों को मरने देता या उस लीवर को खींच देता और अपने बेटे को बुरी तरह से दब कर मरने देता। और वो एक दर्दनाक निर्णय लेता है। क्या बीती होगी उस समय उस पिता के हृदय पर जब उसने अपने इकलौते बेटे को दर्द से मरते हुए देखा। उसने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दी उन लोगों के लिए जो उसे जानते भी नहीं थे। अंदर बैठे हुए उन यात्रियों को इस बात की खबर भी ना हुई कि किसी पिता ने अपने मासूम बच्चे के प्राण को कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ उनके प्राणों को बचाने के लिए। सबके उद्धार के लिए किसी एक प्रिय का बलिदान जरूरी था। सोचिए दोस्तों, परमेश्वर पिता का हृदय कितना तड़पा होगा जब उसका इकलौता पुत्र यीशु उस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह रहा था। शायद उस पिता की भी मानसिक और हृदय की अवस्था ऐसी ही रही होगी। वो भी इसी पिता के समान तड़पा होगा। बाइबल दर्शाती है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया ताकि जो कोई उसे विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंतकालीन जीवन पाए।